तो खाप चौधरियों और किसान संगठनों का जो रुख है वो साफ साफ नई लड़ाई की तरफ इशारा करता है। पहले मुजफ्फरनगर में किसानों और खापों ने हुंकार भरी और उसके बाद कुरुक्षेत्र से महाभारत का ऐलान हुआ। हर जगह यही बात जोर शोर से सुनाई दी कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो उससे समाधान तक लड़ा जाएगा। विरोध की एक आवाज ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उठ रही है तो दूसरी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ भी। चालीस दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, जांच होगी। हमने कहा कि पाशको धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? खाप चौधरियों से लेकर किसान संगठनों का सीधा सवाल है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गुस्सा इस बात का भी है कि सरकार ने पहले दिन से इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तब जाकर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब इस लड़ाई को सिर्फ देश के अंदर तक ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रभावित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन मंडल जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी, तो जब बड़ा सरे जाएगा क्या भारत को? देखो, भाजपा का सवाल इसलिए उठ रहे कि सरकार किसकी है देश में, जहां FIR दिल्ली में हुई, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आवे, गृह मंत्रालय के अधीन आवे, तो इसलिए भाजपा का सवाल उठ रहे कि अगर जैसे उस पर कानून के तहत जो FIR हुई, अगर यहाँ किसी एक आम आदमी पर FIR होती तो पुलिस उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाती और जेल भेजती, उसके बाद जांच करती। भाजपा पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, ना भाजपा पर कोई सवाल उठाने के लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है कि भाई भाजपा पर कोई सवाल उठाए, क्योंकि भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करती। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें कहने का अधिकार सबको है और हमारा काम, हमारे देश की केंद्र सरकार का काम यह है कि जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसमें टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन न्याय सबको मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं और अब तो उन पर दर्ज हुए दोनों FIR की कॉपी और पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज है, इनमें छेड़छाड़ से जुड़े कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर गलत नियत से हाथ लगाने का भी आरोप लगा है। ये शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो अलग अलग FIR दर्ज की। गंभीर बात यह है कि दूसरी FIR एक नाबालिग खिलाड़ी के पिता की शिकायत पर दर्ज है। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। केस लिखवाने में जिन घटनाओं का हवाला दिया गया है वो 2012 से लेकर 2022 तक देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में कथित तौर पर हुई हैं और इसी के चलते विपक्ष या किसान संगठन सबके निशाने पर केंद्र सरकार है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बेटियों ने एक आरोप लगाए हैं और वो बेटियां हमारे देश की खिलाड़ी हैं, नामचीन खिलाड़ी है जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए हैं, तो हमें उस पर राजनीति का जो एजेंडा हम चला रहे हैं विपक्ष के लोग वो बिल्कुल गलत है। मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं और ना मैं किसान संगठनों से इस बात से सहमत हूं कि वो अपने एजेंडे को इस पर चलाएं। उनको चाहिए कि इन बेटियों को न्याय मिले। उन बच्चों ने क्या क्या नहीं कह डाला है, अब इसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता है। अब क्या आपको और साक्ष्य चाहिए? अब किसी ने वीडियो तो बना के नहीं रखा था, अगर मालूम होता है कि साहब ये इस तरह के व्यक्ति हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हमको फांसी दे दीजिएगा, हमको ये कर दीजिए, हमको क्यों दे दे भाई? जो सबके साथ नियम कानून है हिंदुस्तान का, वो नियम कानून आप पर भी लागू होगा, आप लॉ से ऊपर नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जाँच बहुत तेजी से नहीं हुई या FIR प्रारंभिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दर्ज हुई, शायद इसलिए सवाल उठे। अगर FIR पहले दर्ज हो गई होती, सुप्रीम कोर्ट जाना ना पड़ता, तो शायद इतने सवाल ना उठते। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उन्हें विपक्ष बेहद गंभीर बता रहा और जल्द कार्रवाई न होने पर सवाल उठा रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 25 अंतरराष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही,
दो FIR में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद सुरक्षा कवच में महफूज, बेटियों के इन हालात की जिम्मेदार मोदी सरकार है। इधर खाप चौधरियों और किसान संगठनों को भी ये बात लगातार चुभ रही है कि इतने गंभीर मुकदमे दर्ज होने के बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे और ऐसी बात कह रहे जो पहलवानों को परेशान कर रही। याद दिलाया जा रहा कि ये वही पहलवान हैं जिन्हें देश कंधों पर बैठाता आया है। वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। जो आप खाप के लोग निर्णय कर देंगे, जो सामाजिक लोग निर्णय कर देंगे, हम सारे नौजवान उस पर चलने का काम करेंगे। और ये बात कहकर जाते हैं, इस देश किसान आप हैं, इस देश का मान आप हैं और वो बेटियां हैं। अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। अब इंतजार 9 जून का है और देखना होगा कि जब विरोध की नई तस्वीर आएगी तो क्या तूफान लाएगी। सवाल ये भी है कि क्या 9 जून से पहले केंद्र सरकार इस मामले में कोई बड़ा संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।